आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप इस बार की छुट्टियों में मुझे बर्फीले हिल स्टेशन ले जाओगे और मुझे सील्स और पेंगुइन सिखाओगे। ओ लैंप दीजिए, अभी तूने पेंगुइन का नाम लिया और पेंगुइन हाजिर भी हो गया। देखा चाचा का कमाल है पेंगुइन। हाँ? वाह बहादुर अंकल, ब्रेक लगाइए। ये फटूश नगर में पेंगुइन कहाँ से आ गया? मैं आसपास के नेशनल पार्क में पूछताछ करती हूँ, पर तब तक इस पेंगुइन को किसी को संभालना पड़ेगा। चाचू ये कितना क्यूट है, हम इसे घर ले चलते हैं ना? अब कौन आ गया? आ गए आप, कितनी देर लगा दी सामान लाने में। ओ जी सुनो तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब खाना भी देरी से ही मिलेगा। की होया? है बर्फ के आंसू, वो ऐसा भी कभी होता है? ओ, ये तो रोने लगा, लगता है आईसी को भूख लगी है। आईसी? कौन आईसी? ये पेंगुइन, मैंने इसका नाम आईसी रखा है। अरे ये तो बहुत क्यूट है। अरे खोजी अंकल, पेंगुइन क्या खाते हैं? क्या खुशबू आ रही है, मुझे मेरे ऑफिस से यहाँ तक खींच लाई। चाचा के घर में पेंगुइन, वो भी बर्फ के आंसू रोने वाला। अगर मैं ये मुफ्त की बर्फ बाजार में बेचूं, तो माला माल हो जाऊंगा। पैसा पैसा पैसा। मैं जल्द ही माला माल बन जाऊंगा। ओहो, आईसी ने ना अभी तक कुछ नहीं खाया, लगता है इसे जलेबी चाहिए। जलेबी इसे नहीं, तुम्हें चाहिए चाचा, क्योंकि पेंगुइन कभी जलेबी नहीं खाते। मैं पेंगुइन का खाना साथ लाया हूँ। ये क्या है खोजी अंकल? पेंगुइन्स सिर्फ ठंडी जगह पर रह सकते हैं, इसलिए इस घर को ठंडा करना पड़ेगा। ढोलके तू कहाँ रह गया? जिज्जे बचाओ। ये चाचा का घर है या कोई स्नो पार्क? पेंगुइन भी पाल लिया।
मैंने ना जयनगर नेशनल पार्क से बात की है, उन्हीं का एक पेंगुइन मिसिंग सा है। फोन के ऑफिसर जल्दी पेंगुइन को लेने आएंगे। अगर ये पेंगुइन हमारे हाथ लग जाए तो इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। सूप पीकर मैं कुल्फी से फिर से इंसान बन गई। ओहो, आईसी का खाना खत्म हो गया। मैं खोजी अंकल के पास जाकर इसके लिए और खाना लेकर आता हूँ। हम तुझे लेने आ रहे हैं आईसी, जल्द ही तू हमारे कब्जे में होगा। हम राजनगर नेशनल पार्क से पेंगुइन को ले जाने आए हैं। हाँ जरूर। मेरे प्यारे आईसी, मुझे पता है तुम्हें नहीं जाना है, मैं भी तुम्हें दूर नहीं भेजना चाहता, पर नेशनल पार्क ही तुम्हारा असली घर है। ओ, तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ओए भतीजे, अब ये पेंगुइन का खाना किसी काम का नहीं है, राजा नगर नेशनल पार्क के ऑफिसर्स उसे ले गए, अभी से उसकी याद आ रही है। क्या राजा नगर नेशनल पार्क? पर बंदूकनी जी ने तो जयनगर नेशनल पार्क वालों से बात की थी। अरे भतीजे, और तू सही कह रहा है, यानी वो नकली ऑफिसर थे। ओए मेरे आईसी को कौन ले गया? अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? ओए भतीजे, और जल्दी से कोई चटपटा आइडिया निकाल। आइडिया, ये देखो आईसी के बर्फ के आंसू, हम इसका पीछा करके आईसी तक पहुंच सकते हैं। गया। वो पेंगुइन भाग रहा है, पकड़ो उसे। पकड़ लिया। घबराओ मत आईसी, हम आ गए। उस पेंगुइन को हमारे हवाले कर दो, वरना। जिज्जे, ये तो डर के भाग गया। कब तक छुपोगे भतीजे? बुला अपने दोस्त को, बुला। आजा इसी मेरे दोस्त, दुश्मनों को ठंडा करने का वक्त आ गया है। खोल के
पूरे काम का पूरा नतीजा क्यों वही चाचा? ओए हाँ पुतीजा। चुटकी मौसी किसी का भी उधार नहीं रखती। जाओ रामू और शामू को लेकर आओ। ये है तुम्हारे पैसे ब्याज के साथ और ये आपके लिए गुलदस्ता। हैप्पी बर्थडे। डोम्पू शोम्पू, आज का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। चुटकी मौसी किसी का भी उधार नहीं रखती। जॉन, जॉन, मेरा पर्स ले गया। पूरा, चलो चलो। और स्कूटर खराब हो गई। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है पर कोई लिफ्ट नहीं दे रहा। ओहो, अब मैं अगले आदमी से लिफ्ट लेकर ही रहूंगा। हाँ, और रुको रुको, लेफ्ट लेफ्ट, ओ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ओ लेफ्ट दे दो भाई, ओ लेफ्ट लेफ्ट, रुक जाओ, ओए रुक जाओ जी। रुक जा चोर, तू मुझसे बच नहीं सकता। अरे मेरा पैर। शुक्रिया, मुझे चोरी और झूठे से सख्त नफरत है। ये ले, ये ले, ये ले। मदद के लिए शुक्रिया। मेरा नाम चुटकी मौसी, अब तू अपना इंट्रोडक्शन दे। ओ जी, मेरा नाम बलवंत है पर प्यार से लोग मुझे चाचा बुलाते हैं। तूने मेरी मदद की चाचा, अब मैं भी जल्द से जल्द तेरी मदद करके तेरा हिसाब भी चुकता कर दूंगी। ओ फिकर नॉट जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं, मदद तो मैं करूंगी क्योंकि चुटकी मौसी किसी का भी उधार नहीं रखती। डोम्पू शोम्पू, तुम दोनों चाचा पर नजर रखो और जैसे ही उन्हें मदद की जरूरत पड़े मुझे तुरंत फोन करना। ओए पतीजे, ओए मेरा फोन उस टैक्सी में छूट गया। ओए ओए रुको, ओए मेरा फोन। हेलो हेलो चुटकी मौसी, चाचा का उधार चुकाने का वक्त आ गया। तो फिर चलो। चाचू, मेरे फोन से अपने फोन पर कॉल कीजिए और उस टैक्सी वाले से बात कीजिए। हेलो टैक्सी वाले भैया, मेरा फोन आपकी टैक्सी में रह गया। अरे भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन लौटा दूंगा, ठीक है? घबराओ मत चाचा, मैं तेरा फोन वापस ले आऊंगी। ओए पतीजे, वो टैक्सी ड्राइवर तो बेचारा शरीफ है, कहीं चाचू हमें उन्हें रोकना होगा, स्कूटर नहीं तो स्केट से सही। चाचू शॉर्टकट से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गए, क्या कर रही हो यहाँ? तूने चोरी की ना, तेरा हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा। अरे मेरी गाड़ी लेकर कहाँ जा रही हो? Oh!
सॉरी की बात कर रही हो, पर फिर भी मैं सॉरी बोलता हूँ। ये गाड़ी रोकिए। चाचू जान, ये ले चाचा तेरा फोन, अब अपना हिसाब बराबर। अब मेरी अकाउंट बुक में से तेरा नाम निकल जाएगा। ओ जी, आपने क्या हिसाब बराबर किया? मैंने पहले ही उस टैक्सी वाले से बात कर ली थी और उस बेचारे ने तो मुझसे कहा था कि वो मेरा फोन मुझे लौटा देगा। ओहो, यानी अब तक तुम्हारा हिसाब बराबर नहीं हुआ? कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही तेरी मदद करने का मौका ढूंढ लूंगी, क्योंकि छुटकी मौसी किसी का भी उधार नहीं रखती। और मेरी इस टूटी फूटी टैक्सी का हिसाब कौन बराबर करेगा? वो ये चुटकी मौसी मेरा उधार चुकाना चाहती है, पर जब से ये मेरी लाइफ में आई है मुझे तो लेने के देने पड़ गए हैं। ओए भतीजे, कुछ चटपटा आइडिया निकाल। बस बहुत हुआ, इस बार हम ऐसा खेल खेलेंगे कि छुटकी मौसी को आपका उधार चुकाना ही होगा और आपकी लाइफ से दूर जाना होगा। आइडिया। चाचू, एक्टिंग करना शुरू करो। वही पहली बार कोई अपने ही खोदे हुए खड्डे में खुशी खुशी गिरना पसंद करेगा। भतीजे, ओए हम तो एक ऐसे खड्डे में गिर गए जो शिकारियों ने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए बनाया है। अगर कोई शेर यहाँ आ गया तो ओए कोई है, ओए बचाओ बचाओ। चाचू ओवर एक्टिंग मत करो, हम फंस जाएंगे। मिमिक्री अंकल, आप तैयार हो ना जम के एक्टिंग करना? ओए, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ एक्टिंग करने के लिए, कोई शक तू बस देखता जा। चुटकी मौसी, चाचा का उधार चुकाने का वक्त आ। आज तो चाचा का हिसाब चुकता करके ही रहूंगी। ये शेर के कपड़ों में घुसना कितनी परेशानी का काम है, पर चाचा भतीजे को अगर चुटकी मौसी से बचाना है तो ये नाटक तो करना ही पड़ेगा। एक बार चुटकी मौसी उनका उधार चुका दे, फिर चाचा भतीजे के लाइफ से ये बला टल। कोई शक बात है? ओए, अच्छा हुआ छुटकी मौसी आप आ गई, वरना हमारी जान यहाँ कौन बचाता। आज आप अपना उधार चुका ही दो। बस बहुत हुआ, ये नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हारा प्लान जान गई हूँ, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए नकली शेर हाँ मेरे साथ खेल खेलना चाहते थे हाँ? इस पिंजरे में कुछ दिनों तक पड़े रहोगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ओए मिमिक्री, रहने दे, छुटकी मौसी को सब पता चल गया है, अब ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। एक बार बोला तो समझ में नहीं आया, बंद कर ये नाटक। शेर की खाल में छुपे हुए चूहे, चल बाहर निकल, चल। ये तो असली शेर है, भागो। तुम्हारे बाल मैं ठीक कर देती हूँ। सॉरी, बाय बाय। ओए भतीजे, हमारी वजह से छुटकी मौसी के पीछे असली शेर पड़ गया है, हमें उनकी जान बचानी होगी। हाँ चाचू, पर पता नहीं मिमिक्री अंकल कहाँ रह गए। मिमिक्री अंकल उठिए, हमें इस पिंजरे से बाहर निकालिए। मिमिक्री भाई, अब ये नकली शेर का कॉस्ट्यूम ही छुटकी मौसी को बचा सकता है। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? नीचे आओ, नीचे आओ। ओए भतीजे, ओए वो असली शेर है और मैं नकली, मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। चाचू, शेर को नहीं पता कि आप नकली शेर हो, आगे बढ़ो। Thank you.
चाचू आप बस हाथ हिलाइए, पत्थर तोड़ने का काम मेरा। देखो शेर, मेरे पास मत आना। ओए छुटकी मौसी, ओ शेर नहीं चाचा, आपको मुसीबत में डालने के लिए सॉरी। चाचा तू? तूने मुझे मुसीबत में डाला नहीं, मुसीबत से निकाला है। अब मैं जल्द से जल्द तेरी मदद करके तेरे इस एहसान का भी हिसाब चुकता कर दूंगी, क्योंकि छुटकी मौसी किसी का उधार नहीं रखती। नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, 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 चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा।